गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में गाइस देख लेती हूँ आपके पर्सन आपके लिए आज के दिन में क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आज के दिन में आपके पर्सन आपके लिए। सो जनरल बेसिस पे रहेगा गाइस ये टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन। सो जनरल तरीके से ही देखेगा। एंड जब भी आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग मिलती है गाइस, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं ये। आप इसको तभी भी देख सकते हो, तभी से आपके साथ में जो है वो रेजोनेट हो जाएंगी अगर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखना चाहते हो। सो स्टार्ट कर लेती हूँ इस रीडिंग को। आपके पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं आज के दिन में कवर करने की कोशिश करूंगी मैं। करेंटली फीलिंग्स को देखूंगी एंड आज के दिन में क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए, क्या कुछ फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है चेक कर लेती हूँ। सो स्टार्ट करती हूँ करंट फीलिंग्स के साथ। क्या कुछ फील कर रहे हैं करेंटली आज के दिन में आपके पर्सन, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं करेंटली, फीलिंग्स चेक करूंगी पर्सन की। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, उनके साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप दोनों मैरिड अनमैरिड हो सकते हो, किसी भी एज के हो सकते हो। चेक करती हूँ। ओके गाइस, सो टावर की एनर्जीज है मेरे पास में। टावर जजमेंट, कुछ चेंजेस आ रहे हैं गाइस, बहुत तेजी से मुझे कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं आज की इस रीडिंग में। सबसे पहले कार्ड मेरे पास में जो आया है वो टावर की एनर्जीज है गाइस। कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चीजें बदलने वाली हैं आपके रिलेशन में। चेंज है जो आपके रिलेशन में आता हुआ देख पा रही हूँ। चीजें जो है ना गाइस आपके रिलेशन में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, शायद काफी हद तक बिगड़ गई या फिर डिस्टर्ब हो गई। आपका जो रिलेशन था ना गाइस, जैसे स्टार्टिंग में हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया। बट बात का जो टाइम है ना, उसमें मैं किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट को देख पा रही हूँ। ब्लॉक कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट जोन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि शायद आप दोनों के बीच का जो आप दोनों के बीच में शायद कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बिल्कुल साइलेंस मोड पर मुझे नजर आ रहे हो। तो आपके जो पर्सन है ना गाइस, अब वो आपकी लाइफ में एक चेंज को लेकर आ रहे हैं। कुछ फैसला लेने वाले हैं आपके पर्सन, कोई ऐसा डिसीजन अब लेने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ में ना गाइस एक चेंज आ रहा है। जजमेंट की एनर्जीज है, चीजें बहुत ज्यादा जो डिस्टर्ब हो गई थी गाइस, कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, शायद आप काफी ज्यादा होपलेस तरीके से चीजों से डील कर रहे थे, फिर बहुत ज्यादा शायद आपने स्ट्रगल किया। एक स्ट्रगलिंग टाइम को मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा आपने अपने पर्सन का शायद वेट किया है। बहुत सी गाइस चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लिए आपने शायद काफ़ी ज़्यादा हर वो कोशिश करी है कि आपके पर्सन के साथ में आपका जो रिलेशन है वो ना बिगड़े, या फिर आपका जो रिलेशन है वो हमेशा चलता रहे, ऐसे ही ग्रो करता रहे। बट शायद आपके पर्सन ने शायद आपकी कुछ बातों को नहीं सुना, कुछ बातों को नहीं समझा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है गाइस आपके रिलेशन में। कुछ चीज़ें जो ये पर्सन शायद पहले नहीं समझ पाए थे, आपकी शायद लाख बार समझाने पर भी जो चीज़ें ये नहीं समझ पा रहे थे, आज ये चीज़ें मुझे वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही मैं कहूँगी गाइस, एक बहुत बड़ा चेंज मुझे आपके पर्सन के में भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं मुझे इंसान ही अब नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं आज के टाइम में। गाइस अगर मैं फीलिंग की बात करूँ इनकी, कि इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या आ रही हैं, तो आज के दिन में ये जो पर्सन है ना गाइस, ये मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ जो है चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इनका मुझे हाई नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ इनके मन में जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपनी लाइफ में इन्होंने एक ऐसा टाइम देखा है आपके पर्सन ने, जब ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, जब ये बहुत ज़्यादा अलोन हो गए थे, या फिर जब बहुत ज़्यादा इनको आपकी कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई। उस टाइम पे शायद इनको एक पास्ट का टाइम भी याद आया, जब शायद इन्होंने आपकी कदर नहीं करी थी, या फिर आप इनको समझा रहे थे, आप इनको पहले से ही सारी चीज़ों जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ में ऐसा एक टाइम आ सकता है जब आप इनकी लाइफ से दूर हो गए, या फिर आप इनकी लाइफ में इनके साथ में एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो गए, तब जाकर जो है ये पर्सन को समझ में आएगा, तभी आपकी कदर करेंगे, तब इनको महसूस होगा कि
आप इनकी कितनी ज़्यादा परवाह करते थे, कितनी ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स हैं इनको लेकर रियल थी, कितना ज़्यादा आप एक इनोसेंट एनर्जीज में थे जो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। और गाइज आपके पर्सन की भी फीलिंग्स ना मुझे आज आपके लिए ऐसी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ना ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि इन्होंने किसी इंसान की जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, फीलिंग्स जिसकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसकी शायद इन्होंने कदर नहीं करी या फिर उसकी बातों को नहीं समझा या फिर शायद इग्नोर कर दिया। शायद आप इनको बातें समझाने की कोशिश करते थे, अपनी चीज़ों को आप इनको समझाने की कोशिश करते थे, बट शायद इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या फिर आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को अवॉइड कर दिया। बट आज जाकर बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगी बहुत बड़ा एक मुझे इनमें चेंज नज़र आ रहा है कि अब इनको अपनी लाइफ में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके बिना बिल्कुल अलोन है, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, और आपके बिना शायद इनको ये भी बहुत ज़्यादा मुझे समझ में लग रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि इन्होंने शायद आपकी जो कदर नहीं करी है उसको, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मुझे निराश नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी पर्सन वापस आना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं ये कि सारी चीज़ें जो है पहले की तरह हो जाए, आपके साथ में वापस आकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें गाइस मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, और एनर्जीज को लेती हूँ कि इनकी ट्रूली फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको लेकर, क्या कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शायद ये आपसे मूव ऑन हो गए थे, जो मुझे एनर्जीज मिल रही है पास में, जो आपसे मूव ऑन हुए थे तब नहीं इनको रियलाइज़ हो रहा था कि आपके बिना ये इतना ज़्यादा अकेले हो जाएंगे या फिर आपके बिना इतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ में अपने को अकेला पर महसूस करेंगे कि आज ये इतना ज़्यादा परेशान है, आपसे बात करना चाहते हैं बट ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनमें से कुछ लोगों की जो एनर्जीज मुझे आ रही, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ईगो वाली एनर्जीज भी नज़र आ रही है, और आप में से कुछ लोग जो पर्सन है उनको आज थोड़ा सा रिग्रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है, और पास्ट के बिहेवियर को लेकर ये तो मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने किसी इंसान के साथ में ऐसा किया है या फिर अपने किसी बहुत ही क्लोज इंसान, अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर के साथ में इन्होंने एक ऐसा बिहेवियर किया है जिससे आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फिर आप दुखी हो गए या फिर आप इनका आज भी वेट कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ में छोड़कर आपसे मूव ऑन हो गए। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन में मुझे ये परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं ये आज। आज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं देख पा रही हूँ ये सोच में डूबे हुए हैं, फील कर रहे हैं, अपने आप से भी कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि इतना भी नहीं करना चाहिए था इन्हें अपने किसी ऐसे इंसान के साथ में जो कि इनकी परवाह बहुत ज़्यादा करता था या फिर इनसे बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स में था, अटैच फीलिंग्स में था। आपका वेट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, आपका अपनी लाइफ में ना अब ये वेट कर रहे हैं, अभी पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं उस टाइम का। मुझे ये अब प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स से, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स से, मुझे लग रहा है प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों को फिर से एक साथ में कर दे, आप दोनों को फिर से एक ऐसा टाइम आए जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, जो आप दोनों ही एक दूसरे के पास हो, या आपसे अपनी बातें कह सके, अपनी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांग सके, अपनी चीज़ें जो उन्होंने रियलाइज़ करी है, जो शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे जब ये दूर होंगे तो इतना कुछ ही महसूस करेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा आज के दिन में रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे इनके साथ में आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर उदास भी नज़र आ रहे हैं, और अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को, अपनी पास्ट की गलतियों को बहुत ज़्यादा आज ये सोच रहे हैं। तो देख लेती हूँ गाइस नेक्स्ट एक्शन का क्या कुछ हो सकता है आपको लेकर आज के दिन में, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनका, क्या ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके गाइस, सो मेरे पास में यहाँ पर एक अच्छी सी एनर्जीज आई है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी से। ये जो पर्सन है ना गाइस आपके,
शायद इन्होंने नहीं सोचा था कि जब ये आपसे दूर होंगे या फिर जब आपके साथ में नो कांटेक्ट में होंगे तभी इतने ज़्यादा अलोन हो जाएंगे कि इनको हर वक्त ऐसा महसूस होगा। एक तरीके से आपका जो रिलेशन है ना गाइस, इस वक्त भले ही साइलेंस है, भले ही साइलेंस मोड पे है, भले ही इस वक्त आप दोनों दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, भले ही दूसरे से इस वक्त आप लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पा रहे हो, बट मुझे आज भी वो प्योरिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के हार्ट में, आपके पर्सन के मन में आपके लिए जो स्टार्टिंग में हुआ करती थी गाइस। प्योरिटी की एनर्जीज है मेरे पास में कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके बिना आज भी अलोन महसूस कर रहे हैं, भले ही उनके पास में कोई थर्ड पर्सन हो या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, बट आपकी जो जगह है ना उनकी लाइफ में वो कोई नहीं ले सकता। अपने आप से ही कुछ सवाल पूछते हुए मुझे आज आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि क्यों उनसे मिस्टेक्स हुई हैं उनकी लाइफ में। और आपके साथ में अभी जो पर्सन है ना गाइस, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर आप में से कुछ लोग एक पर्सन की मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि वो आपके साथ में अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक खुशहाल, एक खुशियों से भरी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को, पास्ट की उन यादों को जो आपको दुखी कर दे या फिर जो आपको हर्ट कर दे, उनको वो भूल जाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर भी करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।